हेलो, हाँ बोलो। पहचाना? इतने भी पराए नहीं हुए हो कि तुम्हारी आवाज़ भी ना पहचान सकूँ अब मैं। कैसे हो? अच्छी हूँ। वैसे इतने टाइम बाद कॉल करने की कोई तो वजह रही होगी। नहीं, बस मोबाइल में नंबर शो हुआ तो मैं सोचा कॉल कर लूँ। उमंग, ये लाइफ है, सीरियस है, कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम्हें नंबर शो हुआ और तुमने मुझे कॉल कर लिया। आई नो, 1 साल पहले ब्रेकअप करके गया था, बहुत तकलीफ दी थी तुम्हें, बस ऐसी हालचाल पूछने के लिए आज कॉल कर लिया। उमंग, वो सब बातें तुम्हारे लिए बहुत मजाक होगी, तुम उन सब बातों को बहुत लाइटली ले सकते हो, बट मेरे लिए मेरे ऊपर क्या बीती थी वो मैं ही जानती हूँ। तुम नहीं समझ सकते उन बातों को, और तुम मुझे 1 साल बाद कॉल करके हालचाल पूछ रहे हो। जान, आई नो दैट कि वो प्रॉब्लम थी, और सॉरी, जान कहने का भी हक नहीं है शायद मुझे अब। आई एम रियली सॉरी। आई नो, 1 साल पहले मैं ब्रेकअप करके गया था, तुम्हें तकलीफ हुई थी, मुझे भी तकलीफ हुई थी, और उमंग, अभी मैं सिर्फ सफाई नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ इतने लिए कॉल किया है कि हालचाल पूछ सकूँ, कैसे हो ये पूछ सकूँ। उमंग, जब हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है तो कॉल करने का कोई मतलब बनता ही नहीं, और हालचाल पूछने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। और ये तो बहुत मतलब फाइयात सी बात हुई कि तुम्हें नंबर शो हुआ, तुमने मुझे कॉल कर लिया। 1 साल बाद तुम्हें नंबर शो हुआ मेरा। शायद दोस्ती का रिश्ता है हमारा अभी भी, हमारा अब कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। तुम 1 साल रिश्ता? पहले ब्रेकअप करके जा चुके थे। मैंने उस टाइम मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मैं अपनी कंडीशन मैं बता भी नहीं सकती हूँ, तुम समझ भी नहीं पाओगे कभी। और मैं आज अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल ना करें, प्लीज़। आई नो यार, उस टाइम तुम बहुत रोई थी, बहुत सैड थी, और मैं छोड़ के चला गया तो तुमने रोकने बहुत कोशिश की थी, आई नो, और मैं नहीं रुका था, बट मुझे नहीं पता उस टाइम मुझे क्या हो गया था यार, मैं लोगों की बातों में आ गया था, तुम्हारे पर मैंने थोड़ा ही भरोसा नहीं किया, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ यार। अब माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। और 1 साल बाद तुमने मुझे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया, या फिर उन सब बातों को दोहराने के लिए कॉल किया है, या फिर तुम मुझे वही सारी तकलीफ़ वापस से देना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ना मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ देना चाह रहा हूँ, ना पुरानी बातें दोहरा रहा हूँ, मैं बस थोड़ी देर नॉर्मली बात करना चाहता हूँ। उमंग, तब भी तुम यही कहते थे कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, तब भी तुमने मुझे तकलीफ़ दी, आज भी तुम वही बात दोहरा रहे हो, आज भी फिर तुम मुझे तकलीफ़ दोगे। यार थोड़ा तो भरोसा कर सकते हो, सिर्फ नॉर्मल बात करने के लिए फ़ोन किया है यार, थोड़ी देर बात कर सकते हो एटलीस्ट। आई नो 1 साल पहले जो मैंने किया वो माफ़ी के काबिल नहीं था, और सिंपल सी बात है यार, तुम क्या और कोई लड़की होती वो तो कॉल भी रिसीव नहीं करती, तुमने कॉल रिसीव कर लिया, यहाँ तक बात कर रही हो, बहुत बड़ी बात समझ लो। किस बात पे भरोसा करूँ तुम्हारी कि तुम मुझे तकलीफ़ नहीं दोगे, या फिर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, या फिर वापस से तुम्हारी लाइफ में आ जाऊँ। किन बातों पे भरोसा करूँ मैं तुम्हारी? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है लाइफ में आने के लिए या कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कैसे हो, मैं बस अच्छी एक हूँ। दोस्त के नाते थोड़ी देर बात कर सकते हैं, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। लाइफ में मूव ऑन तो कर लिया होगा वैसे तुमने? मैं मूव ऑन काफ़ी टाइम पहले कर चुकी हूँ, और अब वापस से वो वाली ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती हूँ। आई नो तुम, एनीवे छोड़ो, बोलिए, आपने मुझे कॉल कैसे किया? बस ऐसे ही। तुमने भी लाइफ में मूव ऑन कर ही लिया होगा। नहीं यार, क्यों? देखो आई नो दैट जो 1 साल पहले हुआ यार वो बहुत गलत था, मतलब तुम बहुत रो रही थी, मैं तुम्हें छोड़ के गया था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या प्लीज़ मतलब एक चांस दे सकती हो यार, उमंग, मैं प्लीज़ इस बार भरोसा नहीं तोड़ूंगा, और इस बार कुछ भी हो जाए रिलेशन ब्रेक नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा भरोसा एक बार कर सकती हो दोबारा, प्लीज़। आई नो कि तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाला, बहुत मुश्किल होने वाला है, एकदम से 1 साल बाद में आ रहा हूँ तुम्हारी लाइफ में, 1 मिनट, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पूछा तक नहीं कि तुम्हारी लाइफ में मतलब कोई और तो नहीं आ चुका है। उमंग, उस टाइम पे भी तुमने मुझसे बोला था कि भरोसा करो, मैं तुम्हारा कभी भी हार्ट ब्रेक नहीं करूंगा, कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आज तुम वही से फिर से वही सब बातें रिपीट कर रहे हो। और मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, अब वापस से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ क्या किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ। मैं अकेली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे को किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है। मतलब अभी भी तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है? अभी भी मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और आगे किसी को लाना भी नहीं चाहती हूँ मैं, ना तुम्हें ना किसी और को। यार देखो यार, सिंपल सी बात है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, रिलेशनशिप टूट गया था, छोड़ो ना पुरानी बात है, दोबारा मतलब दोबारा से सब शुरू करते हैं ना यार।
उमंग गलतफहमियां सुलझाई भी जा सकती हैं, बट तुमने उस टाइम पे क्या किया था? छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मुझे कैसा लगेगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोचा था। बस तुमने गुस्सा दिखाया, मुझसे लड़ाई करी, झगड़ा करा और तुम छोड़ के मुझे चले गए। उस टाइम पे तुम्हारा मन था मुझे छोड़ के जाने का, आज तुम्हारा मन है वापस आने का मेरी लाइफ में, तो तुम मुझे कॉल कर रहे हो और मेरा हालचाल पूछ रहे हो। उमंग, ये लॉयल्टी नहीं होती है। उस टाइम पे तुम मुझ पे कह रहे थे भरोसा करो नहीं छोड़ के जाऊंगा, उस टाइम पे मैंने तुम पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, आज फिर से वही गलती नहीं कर सकती मैं। यार हालात ऐसे हो गए ना, तुम यार बात समझो, तुम्हारे दोस्त सब मतलब तुम्हारे ही खिलाफ भड़काए जा रहे थे, मैं क्या करता? तुम खुद भी तो सोचो, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि यार ठीक है मतलब तुम गलत थी, बट तुम्हारे सारे दोस्त ये कह रहे थे कि तुम गलत थी, मेरा माइंड बिल्कुल मतलब डाइवर्ट हो गया था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सही गलत क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब रियलाइज़ हुआ है, अब पता चला है कि यार तुम ऐसी नहीं थी, गलती थी मेरी, आई नो यार, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ और बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हो, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, 1 साल ले लिया पूरा अपनी गलती को रियलाइज़ करने में, बट ठीक है ना यार, अब हो गया, अब छोड़ो ना सारी बातें, दोबारा रिलेशन में आ जाते हैं ना, इस बार कुछ भी नहीं हुआ, इस बार पक्का मैं पूरा भरोसा करूँगा तुम्हारे ऊपर और पूरी लॉयल्टी के साथ तुम्हारे साथ रहूँगा, और तुम्हारे दोस्त कोई कुछ भी करे मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहूँगी जिससे मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों पे विश्वास है। मेरे दोस्तों ने तुम्हें भड़काया मेरे खिलाफ और तुमने दोस्तों पे ट्रस्ट कर लिया, मेरी एक बार को बात नहीं मानी, मैंने तुम्हें इतना समझाया कि उमंग ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार ट्रस्ट करो, बट नहीं, तुम मुझसे प्यार करते थे फिर भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरे दोस्तों पर विश्वास किया और अपने गुस्से में तुम चले गए, और आज तुम कह रहे हो कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुम पर कैसे विश्वास कर लूँ जब तुम मुझ पर विश्वास करते ही नहीं हो? तो यार ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, आई नो, एक मिनट यार प्लीज़ बात सुनो। देखो सिंपल सी बात है यार, तब नहीं थी इतनी समझ, रिलेशनशिप था, गुस्सा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हो गई गलती, और मैं यूँ भी नहीं कह रहा हूँ कि छोटी गलती थी, तुम एकदम से मतलब पल में भूल जाओगी, कोई बड़ी गलती नहीं थी, आई नो मैं उस टाइम छोड़ के गया था और फिर पूरा 1 साल लिया मैंने वापस आने में, बट अब मेरे को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ है यार, प्लीज़ अब हो सके तो रिलेशन वापस आ जाए, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, 1 साल मुझे ही पता है मैंने कैसे निकाला है, प्लीज़। उमंग, 1 साल में क्या से क्या बन जाता है इंसान और क्या से क्या बदल जाता है, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, मैं अब पहले वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो चुकी हैं, तो प्लीज़ मैं तुम्हारे संग रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, मैं वापस से उस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती जिससे मैंने बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है। आपको भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि उस टाइम पे मेरे ऊपर क्या बीती थी, मैंने कैसे झेला था वो मुझे ही पता है और मेरी फैमिली को ही पता है, तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में वापस नहीं आ सकती हूँ। आई नो तुम बहुत टूटी थी, और छोड़ो ना यहाँ सारी बातें, सोचता हूँ तो मुझे हर्ट होता है, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी है, बट एक चांस दे सकती हो, जो तकलीफें दी हैं मैं प्लीज़ यार उन तकलीफ़ों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा यार, प्लीज़। तुम्हारे लिए कहना आसान है कि छोड़ो, पर जो मेरे ऊपर भी थी वो तो मुझे पता है, तुमने छोटी सी बात बोल दी, छोटा सा वर्ड है कि चांस दे दो, चांस मतलब तुम्हारे पर वापस से विश्वास करना, लॉयल होना तुम्हारे लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, वापस से मैं उस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहती जहाँ पर दुख तकलीफ हो, मुझे पता है कि वहाँ पर दुख और तकलीफ ही है, तुम वापस से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आज भी करते हो ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है रियली, अगर प्यार नहीं करते तो तुम मूव ऑन कर चुकी होती, अपनी लाइफ में किसी और को ला चुकी होती। प्यार में तब भी तुमसे करती थी, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, तुम्हें फर्क पड़ा था। बोल रहा हूँ ना, तब थी गलती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ मेरी गलती नहीं थी, तब थी मेरी गलती यार, गलती समझने में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल लग गया तुम्हें पूरी गलती समझने में, बस थोड़ा भटक गया था यार, प्लीज अब एक चांस दे दो, प्यार तुम आज भी करते हो तुम्हें पता है, मैं भी प्यार करता हूँ ये भी मुझे पता है। उमंग, तुम प्यार करते होते तो थोड़ा सा विश्वास भी करते, मेरी दोस्तों की ना सुन के मेरी सुनते तो आज हमारे रिलेशनशिप कायम होता, बट तुमने मेरी नहीं सुनी, मेरे दोस्तों की सुनी, और 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, तुम वहीं पे ही अभी खड़े हो, तो प्लीज़ उन सब बातों को भूल जाओ, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम दिमाग में सोच रहे हो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो वैसा कुछ भी नहीं होगा, तो तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लो। प्यार नहीं करते हो? मैंने बोला ना उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। उस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है यार, मतलब ठीक है उस टाइम छोड़ के चला गया, इसका मतलब ये है कि प्यार नहीं करता हूँ मैं? प्यार करते होते तो उस टाइम पे नहीं जाते, प्यार करते होते तो थोड़ा मेरे बारे में सोचते कि उस बंदी पे क्या बीतेगी, वो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे लिए इतनी लॉयल है, वो कितनी परेशान होगी, वो कितनी रोएगी, कितनी तड़पेगी, तुमने उस टाइम पे मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तुमने देखा था अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और मेरे दोस्तों का विश्वास,
तुम्हें सब चीजें दिखी, उस टाइम पे बस मेरा प्यार नहीं दिखा, तुम्हें अपना प्यार नहीं दिखा, और आज तुम्हें एक साल बाद आके प्यार दिखता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वापस से मूव ऑन हो जाओ मेरे संग। मतलब ये कौन सी है कि रिश्ते में तुम्हारी मर्जी चलेगी, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ रिश्ते में, मेरी भी तो कुछ चलेगी। मतलब तुमने एक साल पहले छोड़ के जाना अच्छा लगा तो तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँ तो मैं वापस आ जाऊँ। यार मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी नहीं चलेगी, बट क्या कह रहे हो, माफ तो कर सकती हो ना यार। किस गलती के लिए माफ करूँ यार, प्लीज माफ कर सकती हो ना। प्लीज़ मैं इस बातों को और नहीं करना चाहती हूँ यार, मैं बहुत मुश्किल से मूव ऑन किया है मैंने लाइफ में, बहुत मुश्किल से सब बातें भूल के आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चालू किया है, मैं वापस से उस लाइफ में नहीं जाना चाहती, तो प्लीज़ आगे से मुझे कॉल मत करना और बाय। हेलो यार, बात तो सुन सकती हो। हेलो,